छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्मस्थली महाराष्ट्र की पुण्य नगरी पुणे से एक अभिभावक श्री चंद्रेश जैन जी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। चंद्रेश जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चंद्रेश जैन है, मैं एक अभिभावक हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है आजकल के बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? वे तकनीक पे अधिक निर्भर रहने लगे हैं, क्योंकि सब कुछ उंगलियों पे उपलब्ध है। कोई इस युवा पीढ़ी को कैसे जागरूक कर सकता है कि वे प्रौद्योगिकी के स्वामी बनने चाहिए, उसका गुलाम नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। थैंक यू चंद्रेश जी। आदिवासी जनजाति के लोक नायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि झारखंड के रामगढ़ जिले से एक अभिभावक श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान चाहती है। पूजा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज कुमारी पूजा श्रीवास्तव। आई एम अ पेरेंट ऑफ प्रियांशी श्रीवास्तव स्टडिंग इन श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़ झारखंड। सर, आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ आई कैन मैनेज माई डॉटर स्टडीज विथ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर। प्लीज गाइड मी ऑन दिस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हिमाचल प्रदेश शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित हमीरपुर जिले के TRDAV स्कूल कांगू के एक छात्र अभिनव राणा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभिनव, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अभिनव राणा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ TRDAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। सर, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एजुकेट एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस इफेक्टिवली व्हाइल आल्सो हार्नेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर लर्निंग रादर देन लेटिंग इट बिकम अ डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्रूशियल स्टडी पीरियड्स। थैंक यू सर। थैंक यू अभिनव। प्रधानमंत्री जी, चंद्रेश जैन, पूजा और अभिनव जैसे अनेक लोग जीवन में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दबाव की स्थिति से परेशान हैं। वे सभी तकनीक पर निर्भरता एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुष्प्रभाव से कैसे बचें? कृपया इस विषय में उचित परामर्श प्रदान कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रिच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, मां परोसती जा रही है, क्या ये संभव है? क्या संभव है? क्या कभी कभी तो आप मां को कहो, नहीं मां बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता हूं। करते हो कि नहीं करते हो? आपकी प्रिय खाना था, हर प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला था, वो समय भी ऐसा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब वो खाना आपके लिए तकलीफ कर सकता है, वॉमिटिंग करवाएगा, हेल्थ खराब कर देगा। आपका कितना ही प्रिय खाना, आपको रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता? वैसे ही मोबाइल के ऊपर कितना ही प्रिय चीजें, कितनी ही चीजें आती हो, लेकिन कुछ तो समय तय करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी
बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सर्वाधिक उपयोग क्या करना है। जबकि मैं ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेक होना चाहिए। और ये दोनों जो पेरेंट्स की चिंता है वो इन दो की नहीं है, हर पेरेंट्स की चिंता है। शायद ही कोई अपवाद होगा, जो माँ बाप खुद भी दिन भर मोबाइल में अटके रहते होंगे ना, वो भी चाहते होंगे कि बेटा इसे बचे। और आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात आपके जीवन को बहुत कुंठित कर देता है जी। अगर आप परिवार में देखोगे तो घर के चार लोग चार कोने में बैठे हैं और एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उठ करके मोबाइल नहीं दिखाते कि देख मैंने ये आया तुम देखो, क्यों? सीक्रेसी। ये इसके कारण एक बहुत बड़ा अविश्वास पैदा करने में ये भी एक साधन बन गया आजकल। अगर माँ ने मोबाइल फोन को हाथ लगा दिया, बस आ गया घर में तूफान, तुम कौन होती है मेरे मोबाइल को हाथ लगाने वाली, यही हो जाता है। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना, ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है, या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे बातें करेंगे गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हम हमारे खुद के लिए भी, अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। अगर आप टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, आपके माता पिता को पूरा नॉलेज नहीं है, सबसे पहला आपका काम है आज मोबाइल पर क्या क्या अवेलेबल है उनसे चर्चा कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए और उनको विश्वास में लीजिए कि देखिए मैथ्स में मुझे ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं, केमिस्ट्री में मुझे ये मिलती हैं, हिस्ट्री में ये मिलती हैं, और मैं इसको देखता हूँ आप भी देखिए, तो वो भी थोड़ी रुचि लेंगे। वरना क्या होगा, हर बार उनको लगता होगा कि मोबाइल मतलब ये दोस्तों के साथ चिपका हुआ है, मोबाइल मतलब रील देख रहा है। अगर उसको पता चले कि भाई इसमें ये पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को मूर्ख बनाने के लिए बढ़िया चीज दिखा दे और फिर दूसरा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने पूरे परिवार में पता होना चाहिए क्या चल रहा है। हमारे मोबाइल फोन का लॉक करने का जो नंबर होता है वो परिवार के सबको अगर पता हो तो क्या नुकसान होगा, परिवार के हर सदस्य को हर एक मोबाइल का अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप काफी बुराइयों से बच जाएंगे, काफी बुराइयों से बच जाएंगे। कि भाई हर किसी को, हर एक भले मोबाइल अलग होगा लेकिन उसका जो कोड वर्ड है उसको मालूम है, तो ये भला हो जाएगा। दूसरा, आप भी अपना स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करने वाले जो एप्स होते हैं उसको डाउनलोड करके रखिए, वो बताएगा भाई आपका स्क्रीन टाइम आज इतना हो गया, आपने यहाँ इतना टाइम गंवाया है, आपने इतना टाइम, वो आप स्क्रीन पर ही आपको मैसेज देता है, वो आपको अलर्ट देता है। जितने ज़्यादा ऐसे अलर्ट के टूल्स हैं हमने अपने गैजेट्स के साथ जोड़ के रखना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले हाँ यार ज़्यादा हो गया, अब मुझे रुकना चाहिए, कम से कम वो हमें अलर्ट करता है। एट द सेम टाइम उसकी पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं लेकिन मेरा मुझे एक अच्छा शब्द मिल नहीं रहा है, तो मैं डिक्शनरी की मुझे जरूरत है, मैं डिजिटल व्यवस्था का उपयोग करके उसका लाभ ले सकता हूं। मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं और मुझे कोई अरिथमेटिक का सूत्र ध्यान नहीं आता है, चलिए मैंने डिजिटल चीज का
सपोर्ट सिस्टम ले लिया, पूछ लिया उसको क्या हुआ, फायदा होगा। लेकिन अगर मैं जानता ही नहीं हूं कि मेरे मोबाइल में क्या ताकत है तो मैं क्या उपयोग करूंगा। और इसलिए मुझे तो लगता है कि कभी कभी क्लासरूम में भी मोबाइल के पॉजिटिव पहलू क्या क्या है, पॉजिटिवली उपयोग आने वाली कौन सी चीजें हैं, कभी 10-15 मिनट क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अपने अनुभव बताएगा कि मैंने उस वेबसाइट को देखा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वेबसाइट है, मैंने उस वेबसाइट को देखा फलाने सब्जेक्ट के लिए वहां अच्छी लर्निंग मिलती है, अच्छे लेसन मिलते हैं। मान लीजिए टूर जा रही है कहीं पर, टूर प्रोग्राम हमारे पास है और बच्चे जा रहे हैं कि चलो भाई हम जैसलमेर जा रहे हैं, सबको कहा जाए जरा ऑनलाइन जाओ भाई जैसलमेर का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो उसका पॉजिटिव उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि तुम्हारी मदद में बहुत सी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तुम इसका उपयोग करो। जितना ज्यादा सकारात्मकता से आप उपयोग करोगे उतना आपको लाभ होगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि हमने उससे दूर भी नहीं भागना है, लेकिन हमने हर चीज का विवेक से और पूरे परिवार में ट्रांसपेरेंसी से, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऐसे छुप छुप करके देखना पड़ेगा मतलब कुछ गड़बड़ है, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना लाभ ज्यादा होगा।